आज आप सबों के बीच एक बहुत ही बड़े गीतकार रचनाकार श्री रमेश सिंह दीपक देसी धुन स्टूडियो में पधारे हुए हैं और आप सबको उनका परिचय कराता हूं और अपने बारे में ये बताएंगे, अपनी शख्सियत के बारे में बताएंगे। लीजिए रमेश जी, आपकी शुरुआत संगीत में कहां से हुई जरा लोगों को बताइए। मैं पांचवी क्लास में पढ़ रहा था, गांव में लोग कीर्तन गाते थे, साथ में मैं भी गाने के लिए जाता था, लोग आगे अगली कतार में खड़ा करा लेते थे और बोलते थे बाबू गाओ आवाज बहुत बढ़िया है, तो अभिरुचि बढ़ती गई। बाद में 1983 से आकाशवाणी दूरदर्शन वॉइस टेस्ट देख के स्वर परीक्षा देकर और फिर आकाशवाणी दूरदर्शन से सेवा किया गया और गीत लिखने का मैं शुरू से ही गीत लिखते रहा। सातवीं आठवीं क्लास से गीत लिख रहा हूँ, हिंदी भोजपुरी गीत शेरो शायरी, और अपनी अभिरुचि को आज भी बरकरार रखा हूँ। मैं इसी क्रम में चाहता हूँ कि पहले एक शेर बोल दीजिए जो आपका पसंदीदा शेर हो, उसके बाद एक गीत भी सुनाइएगा जी। गीत के बारे में जो हमारा ख्याल है हम बोलना चाहेंगे कि हार कर भी जिंदगी यह जीत है, हार कर भी जिंदगी यह जीत है, गुनगुनाओ जिंदगी यह गीत है, हार कर भी जिंदगी यह जीत है, गुनगुनाओ जिंदगी यह गीत है, जिंदगी का क्या भरोसा हो न हो, जिंदगी का क्या भरोसा हो न हो, रो रहे किस बात पर हंस के जियो, जिंदगी का क्या भरोसा हो न हो, रो रहे किस बात पर हंस के जियो, तो जिंदगी क्या मौत के विपरीत है, इसीलिए तो कहता हूं कि गुनगुनाओ जिंदगी यह गीत है, गुनगुनाओ जिंदगी यह गीत है। ये आपका एक पक्ष है जो शेरो शायरी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से आप लोगों से जुड़े रहते हैं, और आपकी दूसरी विधा संगीत की भी है, आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। हमारा तो परिचय बहुत पहले से है आपका, लेकिन लोग दर्शक जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, देसी धुन से जुड़े हुए लोग हैं, पता नहीं कितना जानते हैं कितना नहीं, तो अपने स्वर में मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी छठ गीत आने वाला है, एक गीत आप सुना दीजिए जी। देना आशीष छठ मैया, देना आशीष छठ मैया, देके करी नानिहाल, देके करी नानिहाल, सुनसान लागे लायनवा, अरे सुनसान लागे लायनवा, अंगना में खेले लाल, अंगना में खेले लाल, देना आशीष छठ मैया, देके करी नानिहाल, देके करी नानिहाल। अभी आप लोगों को रमेश सिंह दीपक जी द्वारा छठ गीत सुना रहे थे और आप लोग आनंद भी ले रहे होंगे। अभी अभी एक इनका गीत जो है रिकॉर्ड हुआ है जो है, और अपने ही देवरिया जिले के बहुत सुरीले सिंगर जिनका नाम है मनोज तिवारी मंगल जी, उन्होंने गाया है और गीत लिखा है रमेश सिंह दीपक जी ने, तो मैं चाहता हूं कि आप सबको वो गीत प्ले करके सुनाया जाए। मुखड़ा अरे गोवा से सीधे हम गई ससुरारी, अमेहरी का पहले से गोड़ रहल भारी, गोवा से सीधे हम गईनी ससुरारी,
अमे हरी के पहले से गोड़ रहल भारी। खाना खिया के दुआरे सुतवली, खाना खिया के दुआरे सुतवली, अब बुझली न मनवा के तनिको लचारी। अरे रे 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 है साझे हनी की हलू के वाड़ी में किलिया, साझे हनी की हलू के वाड़ी में किलिया, बताव कैसे हम निहारब की कुलिया, बताव कैसे हम निहारब की कुलिया, निहारब की कुलिया, निहारब की कुलिया, बताव कैसे हम निहारब की कुलिया, बताव कैसे हम निहारब की कुलिया। इस गीत को रमेश जी आपसे एक प्रश्न है कि इस गीत को लिखने के पीछे क्या आशय है आपका, जरा बताएं दर्शक लोगों को। आशय ये है कि औरत का सबसे बड़ा श्रृंगार है टिकुली, और भाल पर ही सबकी नजर पहले जाती है। जो सुहागन औरत है कभी भी जो है पुरुष का ध्यान उसके भाल पर, उसके लीलार पर जाता है, और उसमें एक रसिक है, रसिया है जो बाहर सर्विस कर रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि पत्नी नैहर में है, तो बाहर से सीधे वो नैहर पहुंच जा रहे हैं। ये एक संकेत है, टिकुली निहारना, बड़े करीब से जाकर आप टिकुली निहार सकते हैं, देखने के लिए तो दूर से भी देखा जा सकता है। यानी मतलब कमासूत लोग सीधे डायरेक्ट जो है ससुराल में ही उतरते हैं, आपके कहने का मतलब जी, पब्लिक को यही बताना चाह रहे हैं जी, कि कमा करके कोई आए तो घर ना आए, सीधे डायरेक्ट ससुराल में जाए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि डायरेक्ट ससुराल न जाकर पहरे अपने वो गांव आए, अपने ग्राम देवता को प्रणाम करे, अपने जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम करे, उसके बाद सच समर करो ससुराल जाए, मेरे कहने का मतलब। अच्छा, बहुत अच्छी बात। फिर हम लोग अगली मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में कोई और शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय देसी धुन।